हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फॉर रियल एक्स द फंक्शन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी विल एज्यूम ऑल रियल वैल्यूज प्रोवाइडेड तो यहाँ पे देखो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और रियल एक्स के लिए ये फंक्शन जो है रियल वैल्यूज एज्यूम करेगा हमें रिक्वायर्ड कंडीशन बतानी है स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हम जानते हैं इफ इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एंड ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड साथ ही साथ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो तो इस केस में क्या हो जाएगा इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा ठीक है तो अब ध्यान से देखो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं जो गिवन फंक्शन है उसको वाई के इक्वल बोल लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई में एक्स माइनस बी और लपॉन में एक्स माइनस सी तो अब x- माइनस सी को y के मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो y मल्टीप्लाई में x- माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी ठीक है तो अब देखो ये कितना बन गया यहाँ पे एक्स वाई माइनस का वाई सी इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर देन माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स आएगा तो माइनस के एक्स को कॉमन कर लिया ए प्लस बी बच गया ठीक है प्लस का ए बी हो गया इधर तो अब क्या करते हैं इस टर्म को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स मल्टीप्लाई में ए प्लस बी ठीक बात है प्लस में ए बी है और माइनस में क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा एक्स वाई और प्लस का वाई सी आ जाएगा ठीक बात है और ये किसके इक्वल है जीरो के इक्वल तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स या चलो माइनस का एक्स हम अगर इसमें से और इसमें से अगेन कॉमन कर लें तो ए प्लस बी ए प्लस बी और प्लस का वाई ये टर्म बच जाएगा ठीक है और प्लस का ए बी प्लस में वाई सी बचा हुआ है डेट इज इक्वल टू जीरो अब अगर हमारे पास रियल रूट्स हैं इसके लिए अगर ये रियल वैल्यूज एज्यूम कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट ठीक है तो अगर हम डी करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस वाई इसका होल स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई में ए का वैल्यू वन और कॉन्स्टेंट पार्ट है ए बी प्लस में वाई सी दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो यहाँ से देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में टू बी वाई प्लस में टू ए वाई माइनस फोर ए बी माइनस का फोर वाई सी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो अब देखो वाई स्क्वायर एज इट इज रहा फिर वाई के टर्म्स देखो कहाँ कहाँ पे है एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है यही बचे हैं वाई के टर्म्स तो हम क्या बोल सकते हैं इन सब में से अगर हम वाई को कॉमन ले लें तो वाई जैसे ही कॉमन लिया तो एक तो टू बी बच जाएगा प्लस में टू ए बच जाएगा और माइनस का फोर सी बच जाएगा तो माइनस का फोर सी हो गया ठीक है फिर बचे हुए टर्म्स एज इट इज़ लिख देते हैं तो देखो एक तो ए स्क्वायर है देन एक बी स्क्वायर है ठीक है और उसके बाद देखो एक हमारे पास कौन सा टर्म बच गया टू ए बी माइनस फोर ए बी कितना हो गया माइनस का टू ए बी हो गया ना तो माइनस टू ए बी दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अब अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है इसके लिए देखो ये जो कॉफिसेंट ऑफ वाई स्क्वायर है ये ऑलरेडी वन है जो कि ग्रेटर देन जीरो है और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये ये बोल दो वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर जीरो हो रही है तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी d की वो लेस देन और इक्वल टू जीरो आ रही होगी देखो जब यहाँ पर हम केवल ग्रेटर लिख रहे थे तो यहां पर भी केवल लेस देन लिख रहे थे लेकिन अब यहां पर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है तो डी जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा ठीक है तो इसके लिए अब देखो निकाल लेते हैं टू बी प्लस में टू ए प्लस सॉरी माइनस में फोर सी इसका होल स्क्वायर माइनस में फोर मल्टीप्लाई में वन मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी डिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं इस टर्म में से हम टू को बाहर निकाल सकते हैं तो ये क्या बन गया टू का स्क्वायर बाहर आएगा जो कि स्क्त हो गया तो A में B का टू सी स्क्वायर माइनस का फोर है और ये क्या बन गया इधर ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो तो अब देखो दोनों में से फोर अगर बाहर निकाल दिया तो ए प्लस बी माइनस टू सी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज लेस देन इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी जो कि एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई होता है तो पहले तो इधर इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस में हो जाएगा ए माइनस बी ठीक है ये आ गया और अब एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए प्लस टू बी सॉरी ए प्लस बी माइनस टू सी है और माइनस का ए प्लस का बी हो जाएगा डैट विल बी डैट विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो तो अब देखो फोर उस तरफ जाके ज़ीरो बन जाएगा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बी माइनस बी जीरो हो गया ए प्लस ए टू ए हो गया ठीक है तो टू हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर बच गया ए माइनस सी ठीक है और उसके बाद से इधर ए माइनस ए ज़ीरो हो गया बी प्लस बी टू भी हो जाएगा उसमें से भी हमने टू बाहर निकाल लिया तो बी माइनस सी बच गया डैट इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो यानी कि यहाँ से अगेन फोर उस तरफ जाके ज़ीरो बन जाएगा ठीक है इसका मतलब ए माइनस सी मल्टीप्लाई में बी माइनस सी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो तो अगर हम यहाँ से माइनस बाहर निकालें तो सी माइनस ए बन जाएगा यहाँ से भी मैंने माइनस बाहर निकाला तो सी माइनस बी बन जाएगा दैट इज लेस देन इक्वल टू जीरो अब सी के लिए अगर हम रूट्स प्लॉट करें तो एक तो ए आ जाएगा एक बी आ जाएगा यानी हम बोल सकते हैं सी का वैल्यू जो है वो ए से बी के बीच में आएगा ठीक है तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी ये हमारे पास में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया यानी ऑप्शन डी सही हो गया आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक